आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल क्विज 2 के आंसर्स। क्विज के आंसर बताने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर क्विज के जो भी आंसर्स परफॉर्म आउट कर रही हूँ मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। अगर आप मेरी चॉइस पर बात नहीं करती तो आपके ऑप्शन में से अपनी मर्जी का कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और अपने क्विज को परफॉर्म कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन कॉल पर प्रेस कर दीजिए। कम्प्लीटली फ्री और आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। तो चलिए अपने क्विज को शुरू करता हूँ, फिर मैं एक एक कर इन सब के आंसर्स आपको बताती हूँ। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बतानी है। डैश डिड यू डैश ऑल द स्वीट्स इन द पैक। When eat, what eat, why eat and which eat। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि डैश डिड यू डैश ऑल द स्वीट्स इन द पैकेट। इसका करेक्ट आंसर रहेगा व्हाई एंड ईट। व्हाई डिड यू ईट ऑल द स्वीट्स इन द पैकेट इसका करेक्ट ऑप्शन है। हर क्वेश्चन के बाद सेवन मूव टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वी डैश गेट फ्री टिकट्स फॉर वॉचिंग अ मूवी। वी मे गेट फ्री टिकट्स फॉर वॉचिंग अ मूवी। वी माइट गेट फ्री टिकट्स फॉर वॉचिंग अ मूवी। दो ऑप्शन है आपके पास, आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बताना है। We might get free tickets for the movie इसका करेक्ट ऑप्शन है। अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारे पास डैश यू एट द मीटिंग। वेयर यू एट द मीटिंग, वर्न्ट यू एट द मीटिंग। तो पूछा है कि क्या आप मीटिंग में थे या क्या आप मीटिंग में नहीं थे। वर यू एट द मीटिंग तो कोई जुमला नहीं होता, तो वर नॉट यू एट द मीटिंग एक जुमला यहाँ पर हो सकता है, तो हम इसको इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर रहेगा वर यू एट द मीटिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। डैश टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन। ही ड्रिंक कॉफी एवरी मॉर्निंग। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो चार ऑप्शन आपने बताना है कि जो हैबिचुअल एक्शन होता है वो कौन सा टेंस हमारे पास डिफाइन करता है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम यहाँ पर जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। शी डैश बेक अ चॉकलेट केक। शी वाज बेक अ चॉकलेट केक। शी वाज बेकिंग अ चॉकलेट केक। And she was baking a chocolate cake. She will baking a chocolate cake. चार options हैं, आपने correct one बताना है। She was baking a chocolate cake इसका correct option है। अगले question की तरफ चलते हैं। The earth move around the sun. Move, move, moved या have moved, तो आपने बताना है कि यहाँ पर कौन सा correct option है। ऑब्वियसली यहाँ पर मूव्स हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा, आगे के क्वेश्चन के आंसर्स बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरा फेसबुक का ग्रुप महकालम डीएसटीवी 2.0/04 ज्वाइन आउट नहीं किया तो इस ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन आउट कर लो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मैं डिजिटल से रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज में आपको यहाँ पर हेल्प प्रोवाइड करती हूँ। बैक टू द क्वेश्चन चलते हैं, अपने आगे के क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। डैश वॉक द लंच एट द पार्टी। हाउ, वर, व्हेन एंड व्हाट। चार ऑप्शंस हैं, अपने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बताना है। हाउ वाज, तो हाउ वाज द लंच एट द पार्टी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एक्सप्रेशन गिव सजेशन टू समवन। किसी को सजेशन देने के लिए कौन सा सेंटेंस जो है वो हम यूज करते हैं। यहाँ पर डू नॉट ईट टू मच कैंडीज, गो अवे, प्लीज फॉलो द ट्रैक, स्टॉप टॉकिंग। चार आपके पास यहाँ पर है ऑप्शन। हमने एक्सप्रेशन बताना है ना, टू डू डू नॉट ईट टू मेनी कैंडीज, ये एक एक्सप्रेशन है किसी को सजेशन देने के लिए कि आप काफी सारे कैंडीज को नहीं खाएं। गो अवे नहीं कह सकते हम, प्लीज फॉलो द ट्रैक को भी चूज कर सकते हैं और स्टॉप टॉकिंग नहीं। तो अब यहाँ भी आपने देखना है कि डू नॉट ईट टू मेनी कैंडीज ये एडवाइस में जा सकता है, और अगर हमें यहाँ पर सजेशन देना है तो प्लीज फॉलो द ट्रैक। सजेशन में हम प्लीज फॉलो द ट्रैक कह सकते हैं, ठीक है। तो मैं प्लीज फॉलो द ट्रैक यहाँ पे चूज करी कि डू नॉट ईट टू मैनी कैंडीज जो है वो एडवाइस में चला जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। योर मोबाइल डैश इन योर ड्रॉअर। योर मोबाइल कैन बी इन योर ड्रॉअर। योर मोबाइल कुड बी इन योर ड्रॉअर। तो आपने बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा।
योर मोबाइल कुड बी इन ड्रॉर, आपका मोबाइल जो है वो ड्रॉर में हो सकता है. द मोस्ट एप्रोप्रिएट वे टू ग्रेटिट्यूड अदर विल बी थैंक यू, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, बोथ आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू इसका करेक्ट ऑप्शन है. ये था कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल का क्वेश्चन नंबर 2. मैं उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा. कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल के अलावा अगर आपका कोई भी और कोर्स है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस एंड एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस मेरे चैनल पर अपलोड है. मेक श्योर करो कि आप उसे चेक करना बिल्कुल मत भूलो. पहली बार मेरे चैनल पर आए हो सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन पर कॉल पर प्रेस करो कम्प्लीटली फ्री और इससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा. आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आपसे मुलाकात करेंगे अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत.